किसान जो करना चाहता है आत्महत्या, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? क्यों देना चाहता है ये अपनी जान? तो हम आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने वाला ये शख्स आखिर कौन है और कैसे भ्रष्टाचार किसी की जान ले लेता है। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आपको बता दें कि इस आदमी का नाम पुरुषोत्तम तिवारी है, जो मऊरानीपुर के एक गांव का गरीब किसान है और बैंक वालों की धोखाधड़ी के चलते अपना सब कुछ गंवा बैठा है और अब ये आत्महत्या करना चाहता है। सुनिए इस किसान की कहानी इसी की जुबानी। हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पुरुषोत्तम तिवारी। कहाँ के निवासी हो? ढकरवारा। मौरान, क्या दिक्कत है आपको? हम अपने चाचा का केसीसी बनवा रहे थे, तो हमारी फाइल तैयार हो गई, हमारी बंधक भी करा ली जमीन। आप वो करना था, खाता खोलना था, तो कह रहे हैं आप सब दलालों का काम करते हो, हमसे कहते हैं कि आपका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? रिश्वत मांग रहे हैं। हमसे तो खुल के कह नहीं पा रहे, वो दलालों का काम धड़ाधड़ कहते हैं। अच्छा, आपसे किसने रिश्वत मांगी? फील्ड ऑफिसर ने। क्या बोलते हैं वो? 50,000 रुपये की रिश्वत दो, आपका 2,90,000 का कार्ड बनेगा और जो कि उसकी लिमिट बनाई है इनने 3.5 लाख की। आपने किस बैंक प्रबंधक से मिला है? कहा है? कहा था। क्या बोल रहे हैं वो? वो कह रहे थे कि भाई कहीं दूसरी बैंक देख लो, यहाँ नहीं हो पाएगा। कितने दिन से आप घूम रहे हैं बैंक के पीछे? 2 माह हो चुके हैं। आपने इसके ऊपर संदर्भ में किसी उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है? हमने सब किया है। तो अभी आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? अब हम सब कुछ खा के अपने प्राण त्यागेंगे, क्योंकि मेरा काम अब सुना आपने, पुरुषोत्तम अपनी जान देना चाहता है क्योंकि रिश्वत के दलालों ने उसकी जिंदगी भर की कमाई उससे लूट ली। मगर आत्महत्या पुरुषोत्तम या उसके जैसे लोग क्यों करें? आत्महत्या तो उन्हें करनी चाहिए जिन्हें रिश्वतखोरी का नशा चढ़ा हो। आत्महत्या तो उस फील्ड ऑफिसर को करनी चाहिए जिसने 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी। आत्महत्या तो उन बैंक वालों को करनी चाहिए जिनके घर का चूल्हा रिश्वत की काली कमाई से जलता है। रिश्वतखोरी का रंग न जाने और कितना निखरेगा, भ्रष्टाचारी अजगर जाने कितने जीवन निकलेगा। कोई नहीं है लाचारों की आवाज़ें सुनने वाला, बेईमानों के आगे अपना भारत यूं ही बिखरेगा।